तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान भी निकलकर सामने आया है। सपा का चरित्र प्रदेश अच्छे से जानता है, ये कहा है बृजेश पाठक ने। ये भाईचारे को विखंडित करने का काम करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया खुश है। सपा के विधायकों ने धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया। आने वाले समय में सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गठबंधन पर उन्होंने कहा कि नई पैकिंग में ये पुराना माल है और सत्ता लोलूप लोगों का एक समूह है ये, और इसी के साथ ही देश के विकास से इनका कोई भी सरोकार नहीं है। गरीब कल्याण योजना में जन जन का भरोसा जीता है, और इसी के साथ ही यूपी बीजेपी प्रदेश की सभी जो है, यानी कि बीजेपी जो है यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतेगी, और इसी के साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं है, वो किनारे किनारे निकलेंगे। तो बृजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के विकास से इनका कोई भी सरोकार नहीं है। आपने, हमने भी टेलीविजन में देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इंतजार करें, शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। स्मृति ईरानी का बयान है कि रायबरेली में भी इस बार भूचाल आएगा। यानी देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 के 80 विधानसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राहुल गांधी की यात्रा भैया वो न्याय यात्रा नहीं है, वो किनारे किनारे निकलेंगे। पिछली बार भी किनारे किनारे निकलेंगे, जैसे हमारे गांव कहते हैं पतली गली से निकल लिए। भाईचारे को विखंडित करने की तरफ, और हमेशा आईडी ऊपर है तो क्या करें, प्रदेश के लाइनर को डिस्टर्ब करने वालों के सबका, जहाँ पूरी धारा इस समय प्रभु रामलला के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की चर्चा।